खबर बागपत से है, जहां जनपद में व्यक्ति द्वारा दबंगों पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है। रंगदारी न देने पर छेड़छाड़ और बलात्कार जैसे झूठे मुकदमे दर्ज कराने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ित ने इस आशय का एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक को भी दिया है। पीड़ित अलदया पेशे से ड्राइवर है और जनपद के रमाला थाना क्षेत्र ग्राम कंडेरा का निवासी है। उक्त आरोप जनपद निवासी एके दंपत्ति पर लगाया गया है। पीड़ित के अनुसार थाना पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एसटीओ सारे हो, क्या मामला, किस लिए आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं जी, एक लड़की वो अनिल है का और उसकी पत्नी है सुनीता, उसकी लड़की रूबी ते व्यापार चला रहे हैं गोरीपुर मोड़ पर जो है पेट्रोल पंप के पीछे, और जबरदस्ती ड्राइवर पर बलात्कार के केस, झगड़े मारपीट रंगदारी के केस लगा के बाद में फैसला कर पैसे देकर, जो नहीं देता उसे लाइन पर नहीं चलने देती। मेरे साथ भी ऐसा ही हो लिया 2021 में, एक बार मैं पीट भी लिया, लेकिन सबके कहने था जो है ये हो गया था कि कोई पता नहीं भाई कौन पीट लिया, वो रिपोर्ट भी है मेरे पास, रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ वीडियो भी है। लेकिन अब 17 तारीख में फिर उसने मेरे साथ ऐसा ही किया, उसके बाद जो है फिर धमकी दे के गई कि यहाँ गाड़ी चलाओगा तो हमें पैसे देने पड़ेंगे महीने के, नहीं तो बलात्कार छेड़छाड़ रंगदारी में तुझे जेल भिजवाएंगे। क्या चाहते हो? मैं उनसे ही चाहता हूँ जी कि उनके ऊपर पुलिस जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मैं 4 एप्लीकेशन एसपी ऑफिस में लगा चुका, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती। रंबाड़ा थाने में एक एप्लीकेशन गई, वहाँ लिखी दरोगा अमर सिंह को, उन्होंने फाड़ के उसमें फेंक दी दस सुन, क्योंकि उनके पास उसके 4 आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पूरा चिट्ठा है। फिर उसके बाद गई अमर सिंह पे, अमर सिंह ने ये कहा कि तुम प्राइवेट ड्राइवर हो, लाइन छोड़ के कहीं और जगह चला लो। कल आज मैं लाइन छोड़ के जा रहा, कल वह मेरे घर भी जाएगी, फिर मुझे घर भी छोड़ना पड़ेगा, फिर मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? बच्चों का भूखे मरने का टाइम आ रहा, मेरे पास और कोई साधन नहीं, यही मैं मजदूरी करूँ। और कुछ सफ़ेद पोस हैं जो इनसे मिले हुए हैं, कुछ भागीदारी भी हैं जो इनसे महीना लेते हैं और इनका धंधा चलो।